हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो मैं वर्कआउट कर आ चुका हूँ और अब यहाँ पे कुछ एक्साइटिंग काम चल रहा है जो कि मेरी क्यूटी कर रही है और मैं उसे डिस्टर्ब करने वाला हूँ। वो ब्रेकफास्ट बना रही है और क्यूटी क्या बन रहा है आज? पोहा। पोहा। सो पोहा बना रही है, वो देखते हैं वो क्या क्या ऐड करेगी, किस तरीके से ऐड करेगी और कैसे प्रोसेस करेगी। चलो देखते हैं। क्या भिगा के रखा है क्यूटी? पोहा। पोहा पोहा पहले से ही बना हुआ है। क्या कहते हैं इसे? पोहा कहते हैं इसे। तो ऐसे खा लेते हैं फिर। चलो ये लो खा। सो कैसे भिगाना है इसे? इसे जस्ट वॉश करना है, मतलब पानी में डिप करके नहीं रखना है। चूड़ा है के? चिवड़ा। चिवड़ा। तो चूड़े को पानी में भिगा के, ठंडा पानी है गर्म पानी? भिगाना नहीं है, जस्ट मतलब वॉश करके इसको रख देना है। वॉश करके रख देना। कैसा बर्तन रखते हैं? छन्नी रात। तो ये छन्नी है दोस्तों, पानी प्रॉपर्ली ड्रेन, इसमें से पानी ड्रेन हो जाए। उस छन्नी में चूड़ा धोकर रखा है मेरी क्यूटी ने। नेक्स्ट उसके साथ साथ उसने कुछ और एक्स्ट्रा काम भी जल्दी जल्दी कर दिया, जैसे कि पोटेटो उसने इस तरीके से काट के रखे हैं, ओनियंस भी काट के रखे हैं, अरे वाह, टोमेटोस काट के रखे हैं और ये कुछ फ्रेश कड़ी पत्ते लेकर आ रखी है मेरी क्यूटी। और ये रहे, देखिए दोस्तों, ग्रीन फ्रेश बीन्स भी लेके आकर उन्होंने इस तरीके से काट रखे हैं। अब ये दोनों इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं, चिवड़े भी भीग चुका है और पोहा बनाने के लिए। और ये सारे टमाटर, प्याज, बीन्स, आलू और कड़ी पत्ता भी तैयार है। और ये कुछ मूंगफली भी मेरी क्यूटी यहाँ पे लेके बैठी है ताकि इन्हें फ्राई कर सके। और क्या क्या डालेंगे इस पे? राई। देखिए ये रही राई जो मेरी क्यूटी इस्तेमाल करने वाली है। ये पैन पे तेल गरम हो चुका है और उस तेल पे मेरी क्यूटी ने राई डाल दी है। उसके बाद क्या डालेंगे आप? प्याज डालेंगे। अरे वाह, प्याज इस तरीके से देखिए दोस्तों, प्याज फ्राई हो रहे हैं। इसके बाद टोमेटोस डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्याज को पूरी तरीके से गलने नहीं देना है आपको, इससे पहले कि वो प्याज ज्यादा सॉफ्ट हो जाए आपको टोमेटो ऐड करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा बीन। बीन को भी ऐड कर दिया और इसे स्टिर कीजिए, स्टिर करते रहिए। वाओ दोस्तों, काफी अच्छा लग रहा है देखने में ये। पोटेटो पहले क्यों डाल दिए, टमाटर डालने से पहले? तो दोस्तों पहले पोटेटो इसीलिए डाल रखे हैं ताकि जल्दी और पहले पिघल जाए, उसके बाद पोटेटो। हमें पता है टोमेटो जल्दी पिघल जाता है, इसीलिए पोटेटो के बाद। दोस्तों ये जो पोहा है, ये पोहा अक्सर महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कुछ और स्टेट्स में काफी फेमस है। और मैं भी जहाँ हूँ महाराष्ट्र में, मुंबई में, नासिक में, काफी पोहा खाया मैंने, काफी अच्छा लगता था मुझे। और अब यहाँ घर में खुद बनता है पोहा। वाह, क्या मजेदार लाइफ हो गई है पोहा खाने के लिए। एंड नाउ क्या होने वाला है दोस्तों, आप देखिए, उस मिक्सर के ऊपर मूंगफली ऐड कर दी गई है। इस तरीके से मूंगफली अच्छा स्वाद देगी पोहे में।
कुछ देर हमें वेट करना है दोस्तों, जैसे कि आलू ना पिघल जाए और मूंगफली नहीं मार जाए। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि ये आलू पिघल चुके हैं और उसके साथ मूंगफली भी भुन रही है, प्याज भी अच्छी तरीके से बीन्स भी आप उसमें क्योंकि ऐड करने जा रही है। खाने के लिए बना रही है मेरी चीजें, लेकिन करने में मैं हूँ तेज। ये देखिए दोस्तों मेरी क्यूट ने अब टमाटर ऐड कर दिया है, काफी अच्छी टेक्निक है ये। अगर वो पहले ही टमाटर डाल देती उसके बाद आलू उतने टमाटर पिघल जाते और नहीं मिलते। आप देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ पे, देखने में मजा आ रहा है। इसमें बस अभी एक चीज डालना है, सॉल्ट ऐड करना है, वो भी स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड कर दिया है। और अब हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें हल्दी, तो हल्दी से और अच्छा बना देगी। और अब हम ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर। ये देखिए दोस्तों ऐड कर दिया गया है कोरिएंडर पाउडर। अब मेरी छुट्टी इसमें अच्छी तरीके से स्टीरिंग करेगी। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल लुक। इसके बाद क्या ऐड करेंगे छुट्टी? थोड़ी सी शुगर। ये देखिए दोस्तों C12H22O11 इसमें ऐड कर दी गई है। इतना अच्छा लग रहा है दोस्तों, जितना अच्छा ये दिखने में लग रहा है उससे कई ज्यादा गुना ये खाने में होता है। तो मैं काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ उसे खाने का। अब इसमें डालेंगे वो जो भिजाए हुए चूड़े थे, ताकि डिश से हम लोग कहते हैं पोहा, वो रेडी हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि उसके साथ जो भी इंग्रेडिएंट्स मिक्सचर हमने प्रिपेयर किया था वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और कुछ ही पल में हमारा पोहा रेडी हो जाएगा, जिसे मेरी सर्व करेंगे दोस्तों। मुझे पोहे के ऊपर इम्पोर्टेंट नमकीन अच्छी लगती है, क्रिस्पी टेस्ट देती है, तो मैं नमकीन भी ज़्यादा करता हूँ और उसमें लेमन भी डालते हैं। अरे वाह, ताकत आ जाएगी मेरे अंदर एंड काफी भूख लग रही है दोस्तों, सच बताऊं तो। जल्दी जल्दी बन जा पोहा। सो सिंपल टेस्टी एंड हेल्दी पोहा इज रेडी एंड माय क्यूरी इज गोइंग टू सर्व पोहा टू मी। सो आई एम गोइंग टू माय रूम एंड वेटिंग फॉर पोहा। तो दोस्तों मैं वेट कर रहा हूं अपनी क्यूरी का कि वो प्लेट में पोहा लेकर आ जाए। तो दोस्तों ये देखिए पोहा रेडी हो चुका है और ये मुझे सर्व कर दिया गया है, मैं इसे खाने वाला हूँ। और ये रही मेरी क्यूटी, मेरी क्यूटी को कर्ड अच्छे लगते हैं पोहे के साथ, तो कर्ड भी लेके आई अपने लिए। ये देखिए ये रहा, ये मेरी क्यूटी का है और ये मेरा है। सो लेट्स स्टार्ट एंड मिलते हैं कुछ देर में।